और आज हमारा अरुणाचल प्रदेश जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रकृति का सुंदर स्थान है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आने का पर्याय हमारा इतना सा है कि इस देश में एक गोध्वज स्थापना भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गोध्वज स्थापना भारत यात्रा का जो उद्देश्य है बड़ा ही स्पष्ट है कि इस देश के अंदर पे संविधान सभी को अपने अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। जिस तरह से फ्रीडम ऑफ चॉइस की उदाहरण दिया जाता है, फ्रीडम टू ईट का उदाहरण दिया जाता है, इसी तरह से इस देश में रहने वाले जो सनातनी हैं, इस देश के जो भारतीय हैं, उनकी अपनी आस्था का सम्मान करना, उसकी भी सुरक्षा करना, यह हमारा भी नैतिक अधिकार है और नैतिक दायित्व है। इसी आधार पर इस देश में विगत कई वर्षों से गोरक्षा के लिए सरकारों का चरित्र सदैव से विद्यमान रहा। हमेशा यहाँ पर जो सनातन हिंदू है वो छला जा रहा है, इसी कारण से गोहत्या का अध्याय आज भी गतिमान है। इसी चीज को रेखांकित करते हुए इस आंदोलन को क्रमबद्धता से आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के पूज्य गोपालमणि जी महाराज जी ने इसे जीवंत रखा और चारों आमनाए पीठ जो सनातन इसका नाम रखा गया रामा गौ प्रतिष्ठा संहिता बिल 2024 और उसके अधीन ये बात कह दी गई है धर्मगुरुओं के आधार पर, इस देश के शंकराचार्य भगवान के आधार पर, इस देश की राष्ट्रमाता गोमाता है और हम देश में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना चाहते हैं। टू डिक्लेयर काउ एज मदर ऑफ द नेशन और इसके अलावा पूरे देश में गोहत्या बंदी हो, इसके साथ ही गाय को पशु की सूची से हटाकर उसको माता का सम्मान दिलाया जाए, ये अवधारणा इस पूरे भारत में जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा के द्वारा स्थापित की जा रही है। इसी क्रम में ये पूरे भारत में एक 33 दिन का प्रवास चल रहा है, 33 दिन की यात्रा हो रही है, 33 प्रदेशों की राजधानियों में परम पूज्य शंकराचार्य जी स्वयं जाएंगे और अविनाश कुमार द्विवेदी जी हनुमान मंदिर के यहाँ पे पंडित हैं, वो आपको ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी भी देंगे कि कैसे शंकराचार्य जी का यहाँ पर आगमन होगा, वो कहाँ पर आएंगे, कैसे यात्रा प्रारंभ की गई है और ये कहाँ तक होती हुई कहाँ पर विराम लेगी और अंत अपने पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी को अपनी जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की शंकराचार्य परंपरा के साथ खड़े होना चाहिए और इस देश में गोहत्या के कलंक को मिटाकर गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना चाहिए, क्योंकि ये अब प्रतिपादित हो गया है कि हर किसी जो संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक जो आधार है, वो हमें गोरक्षा का आधार देता है, क्योंकि आर्टिकल 25 संविधान का ये कहता है कि हमें अपने धर्म को अबाध रूप से गोध्वज की स्थापना की जाएगी। एक गोध्वज का स्थापित करने के बाद यहाँ कैसे गो महासभा किया जाएगा और जो भी इसकी तैयारियों का चल रहा है उसके बारे में वो अपने मुख से रखेंगे हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी। ठीक है, सभी पत्रकार बंधुओं को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि आगामी 26 सितंबर आगामी 27 के हम मनुष्यों के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि किसी का है तो वो गौ माता का है। ऐसी गौ माता हमारे देश में भारतवर्ष की इस परम पवित्र भूमि में कट रही है, जो कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए गौ माता की हत्या का जो पाप कर रहे हैं वो पाप बंद कर दें, क्योंकि गाय बची रहेगी तो हमारा देश बचा रहेगा, गाय बची रहेगी तो हमारी संस्कृति के अंदर हम मनुष्यों के रहते हुए कोई गौ माता को काट दे ये क्षम्य नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, इस देश में लगभग पिछले 100 वर्ष से अधिक हो गए गौ आंदोलन चलते हुए। आदरणीय श्री पूज्य गोपालमणि जी महाराज के अनुरोध पर पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज चारों पीठों के इस कार्य में लगे हैं और उनकी ये इच्छा है कि गौ हत्या बंद हो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसके लिए विशेष रूप से ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 22 सितंबर से यात्रा शुरू होगी। अयोध्या में पहले यात्रा जाएगी, अयोध्या के बाद 23 सितंबर को लखनऊ में, 24 सितंबर को पटना में, 25 सितंबर को सिक्किम के गंगटोक में और 26 सितंबर को असम की गुवाहाटी में और 27 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आएंगे। यहाँ गौ ध्वज स्थापित करेंगे, सभी समाज के लोगों को संदेश देंगे और उसके बाद ईटानगर से पूज्य महाराज श्री नागालैंड की राजधानी कोहिमा और दीनापुर की तरफ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो हम आप सभी ईटानगर के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की जितने भी सम्मानित जनता है उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सब इस बात को, इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ, गाय गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए
गाय के लिए जैसे एक देश एक संविधान, उसी तरह गौ के लिए एक कानून बने, पूरे देश में गौ हत्या बंद हो। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता। राष्ट्र माता, गौ माता। भारत माता, गौ माता। गौ माता, राष्ट्र माता। आपका कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपको लगता हो आप पूछ सकते हैं। हाँ। नहीं, देखिए कितना भी हम मॉडर्न हो जाएं, कितना भी हम कहते हैं कि एक्सट्रीम मॉडर्न हो जाएं, रोबोट बन जाएं, तो बनाने वाला तो कोई होगा ना, उसका महत्व तो होगा हमारे जीवन में। तो जो हम चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाएं, माँ तो माँ ही रहेगी। तो हम जिस संविधान के अनुसार चलते हैं जिस देश में, तो हम मानते हैं कि पूरा विश्व मानता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विदेशी भी मानते हैं इस बात को, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, ये मानता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये सब मानते हैं। उस वेद में कहा गया है कि गाय जो है वो माता है, तो हम लोग उस प्राचीन ग्रंथ के आधार पर इसको मानते हैं, गाय हमारी माता है, उसका संरक्षण करना आवश्यक है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, माँ के पेट से ही तो बाहर आएंगे, ऐसा तो है ना कि आकाश से टपक के आ जाएं, तो माँ का महत्व तो हमारे जीवन में रहेगा ही। हाँ एकदम सही, सही है, सही है, आपका कहना सही है महोदय। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, किसी भी धर्म में गौ हत्या नाम की कोई चीज़ लिखी नहीं है। आप चाहे इस्लाम धर्म देख लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म देख लीजिए, चाहे ईसाई धर्म देख लीजिए, सभी लोग अहिंसक हैं। सब कहते हैं कि ईश्वर, सब तो ईश्वर मानते हैं ना, सब अपने अपने अनुसार ईश्वर मानते हैं और सब में ईश्वर मानते हैं। तो कोई भी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब हमको ये नहीं सिखाता कि हम किसी से बैर रखें। आप अपनी मान्यता के अनुसार, जो हिंदू नहीं है वो गाय को माता नहीं मानते हम, ठीक है ये हो सकता है, लेकिन यदि आप उसको पशु ही मानते हैं तो क्या पशु की हिंसा होनी चाहिए? क्या हम अपने जीव के स्वाद के लिए, हम खुद को संतुष्ट करने के लिए किसी को मार के खा जाएं? क्या ये मानवीयता है? मानव का भी तो एक धर्म होता है ना, हम मनुष्य यदि हैं तो हमारा एक धर्म है कि हम प्रकृति को साथ लेके चलते हैं, हम पेड़ को बचाते हैं, हम नदी को बचाते हैं, हम पशुओं को बचाते हैं। हम कहते हैं कि आप माँ नहीं मानते हैं, तब भी क्या किसी को अपने स्वाद के लिए काट देना ठीक है? इस पे विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी धर्म के ग्रंथ में गाय को काटने की कोई बात कहीं नहीं लिखी है, किसी भी धर्म ग्रंथ में। हाँ किसी भी एनिमल, एकदम सही। हाँ नहीं सही है, नहीं तो ये तो और अच्छी बात कह रहे हैं ना आपकी, किसी भी एनिमल को नहीं खाना चाहिए आपके अनुसार, तो यही तो हम लोग चाहते हैं। देखिए जो प्रकृति है उसको यदि लंबे समय तक ले चलना है तो अहिंसक बन के रहना पड़ेगा। हम अपने स्वाद के लिए किसी भी पशु को खाएं ये अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, हम एक आपको आंकड़ा बताते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय हमारे देश में हमारी जनसंख्या थी 35 करोड़, हम मनुष्यों की जनसंख्या, भारतीयों की जनसंख्या, और गाय की जनसंख्या थी 77 करोड़ 1947 में। अब हो गया 75 साल बीत गया, 75 साल बाद आपको क्या लगता है, पता नहीं हमको, 75 साल बाद गाय की क्या स्थिति है कि आज हमारी संख्या हो गई 135 करोड़, हम जो हैं भारतीय 135 करोड़ करीब हैं, और गाय की संख्या मात्र 17 करोड़ बची है 2011 की गणना के अनुसार। 17 करोड़ उसमें भी कम होते हुए, देखिए अब गाय में क्या है, आपको ये समझना होगा कि हमारे यहाँ जिस गौ के संरक्षण की बात की जा रही है वो वेद लक्षणा गौ है, जिसका वेद में उल्लेख है, उसकी संख्या केवल 2.5 करोड़ है बचा इस देश में। आप यदि कहते हैं कि हम, आप प्रजाति को बचाने के लिए, जो प्रजाति समाप्त हो रही है उसको बचाने के लिए सरकारें फंड लाती हैं कि साहब ये शेर बचना चाहिए, ये हाथी बचनी चाहिए, ये तेंदुआ बचना चाहिए,
इस तरह का सर्प बचना चाहिए, इस तरह का हिमालय बचना चाहिए। गाय की स्थिति देश में यही हो गई है कि गाय अब अल्पसंख्यक है, गाय बहुसंख्यक नहीं है, और यदि गाय को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो अगले 2-3 साल में, 4-5 साल में गाय नहीं बचेगी इस देश में। गाय की संख्या 70 करोड़ से घटते घटते 2-2.5 करोड़ बची है केवल इस देश में गाय। इसीलिए वो प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी आपकी। आपके दृष्टिकोण से भी यदि हम सोचें तो आप तो ये तो समझेंगे ना कि कम से कम वो प्रजाति बचनी चाहिए, तो वो प्रजाति नष्ट होने की कगार पर है। शुद्ध वेद लक्षणा जो गऊ है, हम चाहते हैं कि गौ माता जो शुद्ध वेद लक्षणा गऊ है उनके लिए कानून बनाया जाए। प्राथमिक दृष्टिकोण हमारा ये है। वैसे तो हम व्यापक रूप से सबको बचाना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम चाहते हैं कि जो वेद लक्षणा गऊ है, जिसका जिसको हम अपनी माँ मानते हैं, जिसका जिस ग्रंथ का हमने आधार दिया, उस ग्रंथ के आधार पर जिसको हम माँ मानते हैं, हम सोचते हैं कि किसी को काटना नहीं चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। जी उधर मत जी 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 ठीक है, आप बताइए। तो यहाँ पे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, उसके बाद ट्राइबल एथनिक ग्रुप रहते हैं, तो उनको लोग फॉलो करते हैं, तो हिंदू में भी खाना खाना रहता है। यहाँ लगभग बराबर है, जो आप बोला कि बैनिंग ऑफ हाउस स्लॉटर मारना बंद करते हैं, यहाँ पे इक्वली हम लोग यहाँ पे ट्राइबल भी है, इंडिजिनियस ट्राइबल जो कंज्यूमर्स है। ये आपको कहीं नहीं लगता कि ये आप लोग का जो महाराज है ना, उसका आना परमिशन में आएंगे, वो उसके गाँव के अरे उसके बोलेंगे नहीं, ऐसा है ना कि वो ऐसी कोई लड़ाई करने नहीं आ रहे हैं। और हमने जैसे कि अभी आपके पहले पत्रकार महोदय ने पूछा, हमने बताया कि वो जो प्रजाति है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं, शुद्ध वेद लक्षणा गौ की बात कर रहे हैं, वो नष्ट होने के कगार पे है, तो उसके संरक्षण के लिए भी तो प्रयास किया जाए। ये देखिए, जैसे एक मानवीय अधिकार होता है ना, हम कहते हैं कि हमारा राइट ऑफ ह्यूमन, हमारा अधिकार है कुछ, उसी तरह से क्या उसका अधिकार नहीं जीवित रहने का, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे क्या हम उसको, ये प्रश्न उठेगा ना। नहीं तो एकदम सही है, एकदम ह्यूमन राइट आपकी बात सही है, लेकिन हम अपने अधिकार के कारण क्या किसी एक प्रजाति को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। गांधी जी ने एक बात कही, या आपने बात कही है, उस बात में मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ, जिन गांधी जी को हर जगह माना जाता है, उन्होंने ये बात कही कि मनुष्य के साथ कैसा बर्ताव करता है ये उसकी सामाजिकता का परिचय है, कि समाज में से एक सोशल स्टेटस में कैसे रहता है, वो मनुष्य के साथ जो बिहेव करता है उससे पता लगता है, लेकिन मनुष्य जीवों के साथ क्या व्यवहार करता है ये उसकी मनुष्यता का परिचय है, इससे पता लगेगा कि उसकी मनुष्यता का स्तर कितना ऊंचा है। अभी आपने एक दो बात जो कही उसको मैं थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहना चाहता हूं, कि जैसे आपने कहा कि अगर गाय को नहीं खाएंगे तो उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, आपने यही क्वेश्चन किया था। अब हमारा ये कहना है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई तो परम तत्व है, कोई तो शक्ति है, या प्रकृति को भी अगर भगवान मान लिया जाए तो उसको पता है, वो बड़ी स्मार्ट है, उसे पता है कितनी प्रोडक्शन करनी है और कितनी प्रोडक्शन नहीं करनी है। जब भी अस्थिरता हो जाती है तो वो भूचाल सुनामी लेकर आ जाती है। आदमी की जब संख्या बढ़ जाएगी तो आप देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, लोगों यहाँ पर बड़ी बड़ी महामारी आ जा रही है क्योंकि लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है। तो प्रकृति से स्मार्ट कोई नहीं है धरती में, परमात्मा से स्मार्ट नहीं है। अगर गायों की जनसंख्या कभी भी अनुपात में नहीं बढ़ सकती कि वो इस समाज के लिए या इस पूरी प्रकृति के लिए खतरा बन जाए। वनस्पत जैसे मनुष्य के लिए भोजन की जो उपस्थिति है, परमात्मा ने ये करा रखी है भगवान ने कि हम अनाज खाते हैं, अनाज के नीचे का जो हिस्सा है वो गायों के लिए है, वो हम तो नहीं खा सकते, भूसा उन्होंने ही खाना है। तो विधाता ने, भगवान ने, गॉड ने, जो भी आप नाम बोले, उन्होंने सबके लिए व्यवस्था बनाई हुई है। इसलिए हम ये ना सोचें कि अगर हमसे खाएंगे तभी ये प्रकृति बचने वाली है। परमात्मा और ये जो आज कमर्शियलाइजेशन हुआ है जो आप देख रहे हैं, इसमें जैसे चिकन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आप देखते हैं मुर्गी का उत्पादन किया जाता है फिर मुर्गी को काटा जाता है, मुर्गी स्वतः प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मुर्गी का बकरी खुद उत्पादन नहीं हो रही, बकरी का प्रोडक्शन किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है बकायदा, पोर्क का सुअर को बकायदा उत्पादन किया जाता है, ऐसे ही बीफ का उत्पादन करने के लिए कैटल को भी पाला जा रहा है स्पेशल।
उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, ये बीफ कंपनियों के पीछे की एक इंडस्ट्री है जो उसके खिलाफ में काम कर रही है। अन्यथा गाय की जनसंख्या परमात्मा ने तय की हुई है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम बात करते हैं आज दुनिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, उसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने वाली, इसके अलावा अगर जल की जो हमारा जल प्रदूषण है इसको खत्म करने वाली, अरुणाचल इतना सुंदर प्रदेश है, आप इसके अंदर जब प्रवेश लेते हैं ये प्रकृति का सुंदर स्थान है, ऐसी प्रकृति को संरक्षित करने वाली की आधारशिला में रिसर्चेस कहती हैं गाय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस प्रकृति का, और उसको छोड़कर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जी 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 हाँ बिल्कुल, हम इसको ये चाहते हैं कि जब गो हत्या का जो, देखिए गाय क्या है हमें समझना पड़ेगा ना, हम ये हम इसको थोप नहीं रहे कोई चीज, जैसे मैंने कहा सबकी अपनी चॉइस है, संविधान इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं को भी तो अधिकार देता है कि जिसको उसका वेद पुराण उपनिषद धार्मिक ग्रंथ बात कह रहे हैं उसको भी तो वो सम्मान मिले ना, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, हम ये कह रहे हैं हम मूलतः इसी देश में पैदा हुए लोग हैं, हमारे भी अपने अधिकार हैं, तो हम इतना चाहते हैं कि हमारी जो गाय है जिस पर हमारी आस्था है, जैसे आप इस्लाम में देखेंगे, इस्लाम एक चीज में करेक्ट है अपने आप में, किस मामले में, उसको सूअर से घृणा है, वो पिक को पसंद नहीं करते, अगर वो सूअर को नहीं पसंद करते तो उनको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है आपको, हलाल सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है कि उसमें किसी भी तरह से सूअर का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए, और अरब कंट्रीज तक इस बात को उठाती हैं, इस बात का विरोध कोई नहीं करता, उनकी इतनी आस्था सूअर के विरोध में है, हमारी इतनी आस्था गाय पे प्रेम पे है, तो हमसे ऐसा प्रश्न क्यों किया जाता है, तो हम चाहते हैं गाय को जो हमारी माँ है, हम इस कंट्री जो हमारा भारतवर्ष है, भारत की संस्कृति की जो मूल आधार है वो गाय है, हर अभी हम अरुणाचल में आए, यहाँ की स्थानीय नस्ल है गाय की, और वो स्थानीय नस्ल जो अरुणाचल की अगर वो लुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, तो बताइए कितना बड़ा अरुणाचल अपनी संस्कृति को भी खोएगा, उसमें यहाँ की लोक संस्कृति का पर्याय भी गाय से निकल कर चलता रहता है, तो हमारा ये मानना है के पास है, अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं उसका समाधान गाय के पास है, तो ये मानव को सही रखने की एक प्रेरणा है जो सनातन वैदिक ग्रंथों ने दी है, इसलिए उन्होंने ऋषियों ने गाय को सहज ही माँ का सम्मान दिया, माँ का नाम दिया, इसलिए हम चाहते हैं इस देश के लोग उसको माँ के रूप में सम्मान दें, उसकी रक्षा करें, जैसे बेटा बनकर अपने देश गुण है ना वो सब में नहीं है, गाय में है। दूसरा जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि आपको गाय को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, आप हमारे दृष्टिकोण से मत देखिए गाय को, हम तो गाय को माँ मानते हैं, आप हमारे दृष्टिकोण से मत देखिए, लेकिन उसकी क्या समाज में भौगोलिक परिस्थिति को बैलेंस बनाने के लिए क्या गाय की आवश्यकता है कि नहीं, इस पे जो शोरी मान्यता के अनुसार प्रकृति तो सबको चाहिए, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो उसको ये चाहिए ना कि शुद्ध नदी बहे, शुद्ध खेती हो ताकि शुद्ध भोजन मिले, तो शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध जल मिले, शुद्ध वातावरण मिले, इसके लिए भी गौ आवश्यक है, और इस पे बड़े बड़े शोध हो चुके हैं, सभी शोध में विद्वानों ने इसको प्रमाणित कर दिया है। कैंसर जैसे रोग का कि हम अपने मानसिकता को इस तरह का बनाएं जिसमें गौ की उपयोगिता को हम समझ सकें। तो आपको लगता है कि लोग इस बात से सहमत हो गए क्योंकि असहमति यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, तो आप किस तरह से लोगों को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं? देखिए हम लोग ये निश्चित रूप से समझते हैं कि लोग पूरी तरह से सहमत होंगे, हम बचाने के लिए निकले हैं, हम मारने के लिए नहीं निकले हैं, हम अलगाव करने के लिए नहीं निकले हैं, हम प्रेम करने के लिए निकले हैं, हम तो यहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि भाई मत मारो, यही कह रहे हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जब हम आगे बढ़ करके प्रकृति को बचाने की बात कहते हैं, परमात्मा के द्वारा बनाए गए वस्तु को बचाने की बात कहते हैं, तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, इतना हमारा मतलब दृढ़ विश्वास है, क्योंकि हम प्रेम की बात कर रहे हैं, हम अलगाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवहार संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, हम सबको बचाने की बात कर रहे हैं, और जो प्रेम की बात करेगा चाहे जिस भी धर्म का हो, प्रकृति उसका संरक्षण करेगी, प्रकृति उसके साथ है। मनुष्य ठीक है, कहीं विचार इधर उधर हो सकता है थोड़े बहुत लोगों का, लेकिन दूर तक जाने के बाद वो विचार समझ में आएगी, हम इसीलिए प्रेम से सबके बीच ये बात कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पर डिस्कशन हो। देखिए कोई भी विषय जब आता है समाज के सामने तो उस पर उत्तेजित होकर के विचार व्यक्त करना ये तरीका नहीं होना चाहिए, समाज में स्वस्थ समाज है, कोई विचार सामने आए उस पर डिस्कशन करना चाहिए, किसी को लगता हो कि नहीं हमारी बात अलग है, डिस्कशन कर ले कोई दिक्कत नहीं, हम हर डिस्कशन के लिए तैयार हैं,
हर तरह के सामंजस्य संवाद करने के लिए तैयार हैं, और हम इस बात के लिए हम तय समझते हैं कि लोग डिस्कशन जब करेंगे, जब गौ की उपयोगिता को समझेंगे, उनको पता चलेगा कि इस प्रकृति को बचाने में गौ का क्या योगदान है, तो वो हमारी बात से सहमत होंगे। तो किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं, क्योंकि हम प्यार की बात करने आए हैं, बचाने की बात, हम काटने की नहीं बचाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें कोई मतलब ऐसा लगता है कि सब हमारे साथ रहेंगे, चाहे किसी भी मत को मानने वाले हों। बौद्ध मान्यताओं में कहानी आपने पढ़ी होगी सिद्धार्थ की, जो उनका पूर्व नाम रहा है। हमने बचपन में जब अपना किताब पढ़ी, उनकी कहानी पढ़ी, तो उसमें कहानी आती थी जिसमें एक पक्षी को कोई तीर मार देता है, और तीर मारकर जब उनका उन्हीं का भाई होता है वो तीर मार देता है, तो गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ हैं वो बाहर आते हैं निकल के, और उनके बात ये निकल कर आती है किसका हक इस पर कितना ज्यादा है। तो वो अपने पिताजी शुद्धोधन के पास जब इसको लेकर जाते हैं, तो पता है आपको फैसला क्या होता है? उन्हें प्रश्न ये होता है, उसका एक भाई कहता है मैंने इसको तीर मारी है तो इस पर मेरा हक है, और एक कहता है मैं इसको बचा के लाया हूं तो मेरा हक है। तो शुद्धोधन ये कहते हैं, उनके पिताजी वो कहते हैं कि देखिए मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है, और जो बचाने की बात करेगा उसका हक समाज में सबसे बड़ा होता है। हम गाय को बचाना चाहते हैं, गाय अगर गाय को विश्व माता कहा गया, गाय बचेगी तो इस देश का प्रत्येक जीव बचेगा, ये हाईएस्ट प्रोटोकॉल है गाय को बचाना। और जहां तक रही सामाजिक सद्भाव की बात, जो आप कह रहे हैं कि विभिन्न मान्यता विभिन्न हमारे अपने धार्मिक आधार हैं, तो हम किसी के धार्मिक आधार का अतिक्रमण नहीं कर रहे, कहीं ऐसा वर्णिति नहीं है गोहत्या का, कोई अध्याय नहीं है कहीं पर भी, तो ऐसा हम किसी के इसमें बाध्यता भी नहीं ला रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जो झगड़ा ही है, ये आपस में जो झगड़ा होता रहता है, ये झगड़ा कभी भी नहीं होगा। जो लोग इसमें झगड़ा करवाना भी चाहते हैं वो कभी नहीं करवा पाएंगे यदि इस देश में गोरक्षा का कानून बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाएगा। झगड़े की नस्ल को ही खत्म कर दीजिए। मान लीजिए दो भाइयों पर कोई झगड़ा होता है, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाकर उसका फैसला ही तो करना पड़ता है, समझौता तो करना पड़ता है। तो आज अगर कोई एक बात विवाद का विषय इस देश में, और लगभग 70 सालों से अंग्रेजों का बीचा हुआ बीज है इस भारत में, उन्होंने बोया था इस बीज को, बांटो और राज करो की नीति थी ये, तो अगर वो आज भी लागू की जा रही है तो क्यों ना उस नीति को हम खत्म कर दें, क्यों ना हम उस भेद को ही हमेशा के लिए मिटा दें। तो उसके लिए गाय हम सबको एक कर सकती है, जोड़ सकती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, गाय ही अकेली ऐसी है जो पूरे भारत को एक रूप में एक जगह जोड़ के रख देती है। क्योंकि चाहे आप भगवान रामकृष्ण की परंपरा में जाए, बौद्ध ग्रंथों में यह जिक्र तक है कि गाय हमारी परम मित्र है, इससे बड़ी मित्र नहीं है कोई, इतनी बड़ी मित्र माना गया। बुद्ध जी ने सीधे गोहत्या बंदी की बात करी अपने आप में, जैन धार्मिक ग्रंथ यही बात कहते हैं। इस्लाम में कहीं पूरे, क्योंकि अरब की सभ्यता है, कहीं वहां गाय ही नहीं होती, तो गौ हत्या कोई आधार नहीं है वहां पर। तो इसलिए सामाजिक सद्भाव का काम है, कोई भी इसमें सामाजिक गड़बड़ नहीं होने वाली, सब एकीकरण से काम करेंगे और सब एक साथ मिलजुल कर करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जितने हमारे निवासी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, इतने अच्छे राज्य में आप रहते हैं, बस गो रक्षा की बात हम सब मिलकर करें, गो माता की रक्षा हो, गो माता राष्ट्रमाता बने, मिलजुल कर हम इस काम को करें। हम तो एक दूसरे के साथ लेकर इस काम को कर सकते हैं, इसी के लिए हम सब यहाँ पर आए। आपका धन्यवाद, कोई भी प्रश्न आपको लगे आप पूछिए। जी 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 ये अभी नहीं, हमारे साथ इस काम में मुस्लिम्स भी हैं जुड़े। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी मुस्लिम संस्थाएं हैं जिन्होंने लिखित तौर पे, मैं आपको अखबार की कटिंगे भेजूंगा, जिन्होंने साथ में ये इस मूवमेंट को बढ़ाया गया कि टू क्लियर काउ एज मदर ऑफ द नेशन, गोहत्या बंदी हो, तो कई मुस्लिम संस्थाओं ने आगे बढ़कर इसमें अपना सहयोग दिया है। उन्होंने अपने यहां से आदेश किया है कि हम गोरक्षा का काम चाहते हैं, तो वो कहीं भी इसमें विरोध में नहीं है। हम ये मानते हैं कि भारत में सरकारों से ज्यादा जो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है, जो बांटो और राज करो की रही है, उसी के आधार पर इसको आज भी रोपित किया गया है, और इसीलिए ये आज भी एक सामाजिक संघर्ष के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है, लड़ाई करवाने के लिए, झगड़े कराने के लिए। अन्यथा मुस्लिमों को भी कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ईसाइयों को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस देश में जब हम किसी के किसी सूअर वाली भावना का पिक के साथ, जो उनका हेटर्ड है, हम उसके खिलाफ नहीं जाते, जब किसी के धार्मिक आधार के खिलाफ नहीं जाते, तो कोई हमारे आधार पर आके खिलाफ में क्यों जाएगा? तो ऐसा कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं, समस्या कहीं भी नहीं है। समस्या केवल असल में जैसे इन्होंने बताया हमारे सहयोगी भैया ने, कि जो राजनेता है, राजनेता की समस्या क्या है कि जब तक वो बांटेंगे नहीं तब तक वो राज नहीं कर सकते।
इसीलिए किसी किसी विषय पे उनको बांटना पड़ता है। तो बांटने के लिए इस तरह की राजनीति देश में होती रहती है। हम ये मानते हैं कि हर धर्म के लोग, क्योंकि अंततः तो सब मनुष्य ही हैं, सबके अंदर एक ही तरह का खून है, सबके अंदर एक ही तरह की संवेदना है, चोट लगने पर सबको दर्द होता है, चीनी खाने पर सबको मीठा लगता है, नमक खाने पर सबको खट्टा नमकीन लगता है, और नींबू निचोड़ के खाने पर सबको खट्टा लगता है। इसमें तो किसी का अनुभव अलग नहीं है ना, सबको तो अनुभव एक जैसा होता है। तो जो मानवीय चीज़ें हैं उसमें एक जैसे अनुभव हैं, इसीलिए हमारी बात एक जैसी है। और हम सब मनुष्य प्रजाति चाहते हैं कि ये प्रकृति बचे, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए हम समझते हैं कि जब हम गौ माता की बात लेकर के आएंगे तो मान लीजिए यद्यपि कुछ विभेद हमारे अंदर है तो गौ माता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे विभेद समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति के संरक्षण के लिए, गौ माता को बचाने के लिए सब लोग जो मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी दे रहे हैं राजनीति कारण से, वो भी जब इस विषय वस्तु को समझेंगे तो हमारा साथ देंगे। मुस्लिम कितने राजा हुए इस देश में, कितने शासन किया उन्होंने, लेकिन आप सबका इतिहास देख लीजिए, उन्होंने गाय के दूध का ही प्रयोग किया, गौ सेवा का कार्य किया। तो केवल अमुक धर्म में है इसलिए हम गाय को काटेंगे, ये हमारे यहाँ किसी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। किसी को चिढ़ाने के लिए किसी तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम सब केवल चाहते हैं कि प्रकृति का संरक्षण हो, और इसके लिए गौ माता एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हो सकती हैं। उनके मदर मदर का स्टेटस देना चाहते हैं। माँ का प्रजाति क्या होता है? माँ नहीं, नहीं ऐसा है ना, आप बताइए इसको नहीं क्या कहने आप। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि गाय पशु है, आप कहते हैं कि पशु नहीं उसको माँ बनाओ, तो इसको आप किस प्रजाति में, मनुष्य की प्रजाति में लाएंगे? हाँ, देवता की प्रजाति में लाएंगे या पशु की प्रजाति? हम इसे मानव की प्रजाति में लेकर आएंगे। हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं उसको अपनी माँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी माँ मानता हूँ, तो उसको मनुष्य के आधार पर अगर गौ हत्या कोई करेगा तो उस पर सहजता जो मनुष्य दंड का विधान है वो लागू होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं तो मनुष्य के आधार पर ये हमारी मान्यता है, ये हम सनातनियों की मान्यता। देखिए, हमारे लिए जो देवता विराजमान है मंदिर में वो हमारे लिए हमारे भगवान हैं, और प्रातः हम उनको उठाते हैं, हम उनको भोजन कराते हैं, शाम को हम उनको भोजन कराते हैं, फिर हम उनको सुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह का व्यवहार हम अपने साथ कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार हम अपने देवता के साथ करेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा हमको दी है उस आधार पर हम अपनी गाय को अपनी माँ मानते हैं, और हमको इस बात पर का गर्व है कि हम गौ को अपनी माँ मानते हैं, और माँ मान करके उसी अनुसार हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। और हमारा अधिकार है, हम संख्या के दृष्टिकोण से भी अधिक है, हम चाहते हैं कि सब लोग इस बात को मिल करके आपस में चर्चा करें, चर्चा करके प्रेम से गौ माता को बचाने के लिए सब लोग आ गए हैं। हम विभेद करने की कोई बात नहीं कह रहे हैं, हम प्रेम करने की बात कह रहे हैं। और हम समझते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया उदाहरण देकर के, कि जब हम प्रेम की बात करेंगे, सबको एक करने की बात करेंगे, हम स्प्रिट करने की बात नहीं करते, हम अलगाव की बात नहीं करते, हम एकीकरण की बात करते हैं, तो हमारा साथ सब लोग देंगे। और गाय हमारी माता है, हम चाहते हैं गाय को राष्ट्र की माता बनाया जाए। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ने कहा है कि गाय वो विश्व से मातरा, तो वेद जिसको सब लोग मानते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो हमारे ग्रंथों में जो लिखा, हमारे पूर्वजों ने जो कहा जो किया उसको मानना हमारा दायित्व है। तो हम आप सबसे भी अनुरोध करेंगे कि इस संदेश को आप जन जन तक पहुँचाएं। और कुछ देखिए, जो व्यक्ति है उसको तो हर समय पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, सकारात्मक ही सोचना चाहिए। हम मानते हैं कि निश्चित रूप से हमारी बात को सरकारें मानेंगी, क्योंकि हम समाज के और प्रकृति के हित की बात कह रहे हैं। एक आप जो माँ नहीं मानता है उनके दृष्टिकोण से भी देखिए, जब हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करके संग्रहालय बनाते हैं, वहाँ ले जा करके गांधी जी का चश्मा हम संभाल के रखते हैं, गांधी जी का पहना कपड़ा संभाल के रखते हैं, महाराणा प्रताप का तलवार संभाल के रखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की अमुक अमुक चीज संभाल के रखते हैं, ये 1000 साल पुराना है, ये 4000 साल पुराना, ऐसा कह करके करोड़ों रुपए खर्च करके चीज़ों को बचाते हैं। गाय की स्थिति देश में यही हो गई है, यदि गाय के लिए यदि प्रयास नहीं किया गया तो गाय तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो ये तो लुप्त अल्पसंख्यक है, गाय इस देश में अल्पसंख्यक की स्थिति में पहुंच गई है। तो अल्पसंख्यकों के लिए जैसे विशेष कानून है हमारे देश में कि अल्पसंख्यकों का विशेष उनके लिए आरक्षण है, अल्पसंख्यकों के लिए कि आरक्षण देकर के उनको मेरिट, उनको तत्काल उनके योगक्षेम के वाहन के लिए उनको तत्काल अमुक अमुक स्थान पर रख दिया जाए, उसी तरह हम चाहते हैं कि गाय के लिए आरक्षण इस देश में हो, गाय के लिए विशेष व्यवस्था हो, ताकि गौ माता सुरक्षित रहे, गौ माता संरक्षित रहे, गौ माता आगे की ओर चले, गौ माता जो बची हैं कम से कम वो बची रहें और उनकी समृद्धि बढ़ती रहे। आप बस ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने पूरी बात बहुत पेशेंस से सुनी और हम लोगों की बात को समझने की कोशिश की।